अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। दादा भगवान ने भी कहा मालूम है ना कि एकाध अवतार हमारा ज्यादा हो गए तो कोई बात नहीं, मगर लोगों के पास ये विज्ञान पहुंचना चाहिए। तो ये भी एक अहंकार है, क्या है? मगर अहंकार अच्छा भलाई के लिए है, लोगों के आत्म कल्याण के लिए, मगर ये भी अहंकार है, क्या है? सम्यक अहंकार है मगर अहंकार है। लास्ट वर्त में केवली हो या तीर्थंकर हो, कोई अहंकार होता नहीं है। तीर्थंकर भगवान तो माता के गर्भ में से ही उसको स्पष्ट वेदन है, केवली को भी स्पष्ट वेदन है, मगर जन्म से निर्वाण तक कभी वो ऐसा नहीं कहते कि मैंने केवल ज्ञान हो गया है, बाद में मैं ज्ञान बांटता रहूँ, वो भी अहंकार नहीं है। तीर्थंकर में भी नहीं है, तीर्थंकर तो लोगों के कल्याण के उत्तम निमित्त है, फिर भी वो अहंकार ऐसा नहीं करते हैं, आप समझे? कभी भी वो अपनी मर्जी से कोई भी प्रकार के सत्संग का आयोजन हो पूरी लाइफ में नहीं करते। तीर्थंकर भी देवी देवताओं समूह वस्त्र बनाते हैं और भगवान को क्या करते हैं? विनती करते हैं। वो खुद आयोजन न करते हैं और न करवाते हैं, पूरी लाइफ की बात करता हूँ, आप समझे? क्योंकि अहंकार शून्य है, क्या है? अभी जो भी होगा मान्य है, स्वीकार्य है, क्योंकि वो हिसाब स्वरूप है, आप समझे? तो ये करना है, वो भी अहंकार उसमें नहीं, अहंकार शून्य। तो स्वामी जी, ये जो आपने बहुत गहरी बात की कि प्रतिष्ठित आत्मा और डेवलपमेंट इस हद तक हो सकता है कि उसका सब तरह का अज्ञान चला गया है जी। लेकिन उस ज्ञान के कारण उसकी अपनी प्रेजेंस बनी रहती है, वो मूल की अपेक्षा में अज्ञान है। ऑफ कोर्स, तो क्योंकि उनका अस्तित्व ही हमारी अज्ञानता है, भले 1% है मगर उसका अस्तित्व है ना, वही हमारा अज्ञान है राइट। इसको मिटाना उसी के बाद ही तो केवल ज्ञान है, इनके साथ किसी को केवल ज्ञान नहीं होता है। तो उसका जो अस्तित्व है कि मुझे ये ज्ञान है, ये भी चला जाए तब केवल दर्शन हुआ कहलाएगा, मतलब उस स्थिति को केवल दर्शन कहेंगे। जब अज्ञान खत्म हो गया तो 360 डिग्री का केवल दर्शन नहीं, ये एहसास भी मतलब चला गया कि ये मुझे जो ज्ञान है छूटने का, विज्ञान का पूरा जो ज्ञान है, ये ज्ञान भी असलियत में मूल ज्ञान नहीं है, ये एहसास उसके अंदर से चला गया। मूल ज्ञान नहीं है, नहीं, मूल ज्ञान तो है, अभी ये ज्ञान मेरे पुरुषार्थ के माध्यम से प्राप्त हुआ है, और केवल ज्ञान में यही विज्ञान स्वाभाविक हो जाता है। क्यों स्वाभाविक है? क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा है नहीं, पुरुषार्थ है नहीं, उपयोग नहीं है, प्रमाद नहीं है, तो स्वभाव है, प्रकृति अपने स्वभाव में है, परमात्मा अपने स्वभाव में है, और इसीलिए प्रकृति का एंड होता है तो आत्मा मोक्ष में जाता है, तो स्वभाव हो गया। अभी पुरुषार्थ है, जहां तक प्रतिष्ठित आत्मा है वहां तक पुरुषार्थ है। प्रतिष्ठित आत्मा को ये भी क्लियर हो गया कि जो मुझे ज्ञान है वो भी अभी मुझे अटका रहा है, अभी तो... अभी डेवलपमेंट करके करके अनुभव से मैंने प्राप्त किया है, वास्तव में ये ज्ञान स्वाभाविक है। हाँ। मगर डेवलपमेंट क्यों, मैंने डेवलपमेंट बोलता हूँ इसको, क्योंकि अज्ञान नाश करते करते विज्ञान का अनुभव किया है, बराबर, तो ये प्रक्रिया से हुआ है, क्या है? और मूल ज्ञान तो स्वाभाविक है, इसमें प्रक्रिया की जरूरत नहीं, मगर प्रक्रिया की जरूरत क्यों पड़ी? एक इंद्रिय में आते ही हमने इंद्रिय ज्ञान का विकास किया, वो भी कौन सा ज्ञान था? रिलेटिव सत्य का। इसके बाद मनुष्य में आने के बाद बौद्धिक ज्ञान का विकास किया, वो भी ज्ञान किसका था? रिलेटिव सत्य का। तो पहले से ही एकेंद्रिय से लेके अभी तक जो ज्ञान प्राप्त किया वो रिलेटिव सत्य का ही था, और वो अज्ञान था, मगर अपने ज्ञान के रूप में उसको ग्रहण किया था। तो सभी अज्ञान को अज्ञान के रूप में तब समझेंगे कि हमारे पास सनातन सत्य होगा, तो किसके पास? प्रतिष्ठित आत्मा के पास, क्योंकि उन्होंने ही इसको अज्ञान को ज्ञान कहा था ना, तो अज्ञान को अज्ञान कब कहेंगे? इसको काउंटर पर तो देना पड़ेगा ना, तभी उसको मिटाएंगे ना, नहीं तो कैसे मिटाएंगे?
अगर इसको नहीं कहेंगे कि तुम आत्मा है तो मैं शरीर नहीं हूं, कैसे स्वीकार करेगा? यानी हर प्रकार का सनातन सत्य मिलेगा तो व्यवहार सत्य अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पाना नहीं है, अज्ञात को क्या करना है, मिटाना है। और बाद में छह तत्व ही रहते हैं, क्या रहते हैं लास्ट में, और कुछ नहीं रहता है, मगर वो 360 डिग्री का केवल दर्शन है और ये जीवन के अंत तक रहेगा। क्या बताया? अंत तक रहेगा। हाँ। और बाद में नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान जब भी अपने समय पे होगा, मगर लास्ट बर्थ में तो माता के गर्भ में से स्पष्ट विघ्न होगा और इसका अस्तित्व रहेगा नहीं, क्योंकि अज्ञान है ही नहीं तो इसका रोल भी नहीं है। तो ये जो लास्ट बट वन बर्थ है जिसमें केवल दर्शन होता है, उसमें अगर प्रतिष्ठित आत्मा को ये ख्याल आ जाए कि मेरे जो भी ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है वो भी मूल की अपेक्षा में अज्ञान है, क्योंकि मुझे मूल का अनुभव करने से रोक रहा है, तो फिर उसकी स्थिति कैसी रहेगी? उसके शून्य मनस्क हो जाएगा, क्या होगा वो? नहीं, फिर उसको ये नहीं होता है कि मेरे को ये जानना है, बस इसने उसको जो क्षेत्र अंत में अज्ञान खत्म करके रिलेटिव क्षेत्र के अज्ञान करके खत्म करके उनका विजन फिर क्षेत्र को रूप हो गया। ओके। मगर वो पुरुषार्थ के रूप में है अभी। प्रतिष्ठित आत्मा है तो पुरुषार्थ के रूप में है। प्रतिष्ठित आत्मा चला गया, फिर आत्मा अपने स्वभाव में, बाकी पांच तत्व अपने स्वभाव में, फिर प्रकृति भी पांच तत्वों में आ गई, तो फिर बाद में कोई कनेक्शन ही नहीं है, न पुरुषार्थ है, आप समझे, न उसका पुरुषार्थ है, न प्रमाद है और न जरूरत भी है। तो दोनों अपने, प्रकृति तो वैसे अपने स्वभाव में ही है, भले विभाव स्वरूप है, मगर है किसमें? स्वभाव में, क्योंकि वो कुदरती रचना है। मगर हम प्रकृति को कुदरती रचना के रूप में क्यों नहीं मानते हैं, क्यों नहीं रखते है? क्योंकि डुअलशिप है ओनरशिप, और इसीलिए हम असहज हो जाते हैं। बाकी प्रकृति कुदरती रचना के मुताबिक सहज ही है, मारामारी करते तो भी सहज है, क्योंकि मैंने कहा ना कि मारामारी करने वाली प्रकृति भी नया कर्म चार्ज नहीं करती है अगर प्रतिष्ठा आत्मा नहीं है तो। यानी क्रिया तो सहज ही है, क्योंकि क्रिया करने की स्वतंत्रता उसके पास नहीं, और जो करता है वो कुदरती संजोगों के आधार पर करता है, इसलिए जिम्मेदार नहीं है। अगर ये जिम्मेदार होता तो किसी का मोक्ष ही नहीं होता। सही बात। तो ये साइंस समझने से मालूम होता है कि मन वचन काय की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और मैं भी कुदरती स्वभाव से हूँ, कृत्रिम स्वभाव से नहीं हूँ, सहज स्वभाव से हूँ। दोनों अपने स्वभाव सही है, जहां तक प्रतिष्ठित आत्मा है वहां तक अज्ञान तक काम करती है, मेरे को ये करना है ये नहीं करना है, मेरा है तेरा है, मैंने किया तूने किया, मेरे को यह प्राप्त करना है अभी ये प्राप्त नहीं हुआ है, ये जो ड्यूअलिटी है, द्वंद है, वो किसमें होता है? प्रतिष्ठित आत्मा। और द्वंद होने के नाते वो प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है, शक्ति मांगता है। जब ये प्रयास बंद कब होगा? अज्ञान डिमोलिश हो जाएगा। वहां तक तो वो करेगा ना, जितना जितना लेवल है उसके बाद का आगे का लेवल के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करेगा, क्योंकि पुरुषार्थ उसका धर्म है। क्या है? प्रतिष्ठित आत्मा का धर्म ही पुरुषार्थ है, और वही उसका अस्तित्व है। अगर वो पुरुषार्थ नहीं करेगा तो उसका अस्तित्व कैसे रहेगा? तो प्रतिष्ठित आत्मा है वहां तक तो उसको पुरुषार्थ करना है, अज्ञान कहो ज्ञान कहो या विज्ञान कहो, करना ही है, और अंत में जो किया है उसको भी छोड़ना ही है। हाँ, क्योंकि छोड़ना छोड़ना हम क्यों कहेंगे, क्योंकि जरूरत नहीं है ना। आखिर मैंने ये अज्ञान में से निकलते 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 मैं शून्य बन गया, तो शून्य बन गया तो मेरे को मालूम हो गया कि शून्य बनने का मतलब मैं पूर्ण हूं, इसीलिए मैं शून्य हो गया। पहले जब मैं एकेंद्रीय में था तब इंद्रिय ज्ञान की मेरे को तलब थी कि मेरे को ये जानना है ये समझना है, इंद्रिय ज्ञान से ऐसा मेरा विकास हुआ, इंद्रिय ज्ञान का विकास हुआ। फिर अध्यात्म, फिर मनुष्य में आने के बाद बौद्धिक ज्ञान का विकास हुआ। क्या हुआ? फिर जब अध्यात्म, फिर जब हमको सनातन सत्य मालूम हुआ तो क्या हुआ? भौतिक ज्ञान का क्या हुआ? नाश हुआ, तो ये जीरो हो गया। यहाँ भी जीरो था एक इंद्रिय में, यहाँ भी जीरो हो गया, मगर यहाँ बिना अनुभव जीरो था, यहाँ अनुभव के बाद जीरो हो गए। यू पास ऑल एग्जाम टेकन बाय नेचर, कुदरत ने जो एग्जाम दिया उसमें आप क्या हो गए? पास हो गए, तो जीरो हो गए। तो जीरो का मतलब है यहाँ बिना आत्मा अनुभव जीरो थे, या आत्मा के अनुभव के आधार से आप जीरो हो गए हैं, इतना क्या है डिफरेंस है। स्वामी जी, अनो आँखों निचोड़े हो था कि एक
એક થી 100 સુધી જે જવાનું છે અજ્ઞાન દૂર, એની પ્રોસેસ મીન્સ કે પુરુષાર્થ સરખો ને સરખો જ છે, પણ 99 થી 100 વાળો બી એક એક જેમાં બી એક ટકો ઘટે છે ત્યારે બી પુરુષાર્થ તો આનો જ રહેવાનો છે. હાયર લેવલ કા હો, એટલે જેમ જેમ આગળ દિશોની એ તો ડિગ્રી તો વધતી જ જવાની, પુરુષાર્થ પણ એનો એ જ રહેવાનો છે. એટલે ત્યાર પછી જે 99 પછી 100 વખતે બી એને વસ્તુ તો એની એ જ કરવાની છે. ઓર કોઈ નયા હે નહીં, ફક્ત જે પ્રમાદ જે એનો એક ટકો બી રહેતો તો એક ટકો પણ નહીં રહે, એટલે 100 માં કન્વર્ટ થઈ જશે અને સીધો પછી એ કેવળ દર્શન માં કન્વર્ટ થઈ જશે. બસ બસ ભાઈ ભાઈ, ક્યોંકિ મેને કહા કે 6 તત્વો સે આગે કોઈ સાયન્સ હે હી નહીં. યસ, તો ઇસકા મતલબ યે હો ગયા કે 6 તત્વો મે જો શાશ્વત તત્વ હૈ ઉસમેં જો અવસ્થા આઈ હૈ યે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા કા જો નામ આયા હૈ. આપ કમ્પ્લીટ કરો, બાદ મેં જવાબ દો. જો પ્રતિષ્ઠિત આત્મા હૈ યે ક્યા એક મેનિફેસ્ટેશન હૈ ઇસ અસ્તિત્વ મે જો રિયલ ભી નહીં હૈ ઓર ટેમ્પરરી ભી નહીં. પ્રતિષ્ઠિત આત્મા જો હૈ ઇનકા રોલ ક્યા હૈ, ભલે ઇસકા રોલ સમજો. ઇનકા રોલ હૈ પુરુષાર્થ કરના, જૈસી દ્રષ્ટિ હૈ વૈસા વો પુરુષાર્થ કરતા હૈ. અજ્ઞાન હૈ તો અજ્ઞાન કા પુરુષાર્થ કરેગા, જ્ઞાન હૈ તો જ્ઞાન કા પુરુષાર્થ કરેગા, ઉનકી દ્રષ્ટિ મે વિજ્ઞાન હૈ તો વિજ્ઞાન કા પુરુષાર્થ કરેગા, જૈસી દ્રષ્ટિ વૈસા ઉનકા પુરુષાર્થ. યે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા કા રોલ હૈ, મગર પુરુષાર્થ શબ્દ પ્રતીતિ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા સે જુડા હુઆ હૈ, મન વચન કાયા સે નહીં જુડા હુઆ હૈ. તો મન વચન કાયા વો પરિણામ કી ભુગતાન કરને કા સાધન માત્ર હૈ, પુરુષાર્થ કરને કા સાધન નહીં હૈ. તો રોલ હી ડિફરન્સ હૈ ક્યા, તો ઉસકા અનુભવ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા હી કરેગા, વહી કરેગા. યે તો મિકેનિકલ હૈ, ઓર અંત મે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા હી ડિલીટ હો જાયેગા, ક્યોંકિ ઉસકા રોલ ખતમ હો ગયા હૈ. ઓહો, તો યે પૂરા ડ્રામા હો ગયા. યે તો થેન્ક યુ. ઇસીલિયે કહેતે સંસાર શૂન્ય હૈ ઓર જહાં તક પૂર્ણ લગતા હૈ વહાં તક ઘૂમના હૈ, હૈ ક્યા હૈ, મગર શૂન્ય કે અંદર કુછ ભી લગતા હૈ મેરે કો, 1% ભી લગતા હૈ ના, અચ્છા અચ્છા કહો, સુખ કહો, ઇન્ટરેસ્ટ કહો, વહાં તક ઇસ સંસાર મે. મેને કહા કે મેરે કો જગત કલ્યાણ કરના હૈ, વો ઇન્ટરેસ્ટ કી બાત આ ગઈ, વો આત્મા કી બાત નહીં હૈ. ઓર ઇસીલિયે ભી યે મેરી અજ્ઞાનતા હૈ આત્મા કે હિસાબ સે. अध्यात्म के मार्ग में अच्छी बात है, मगर आत्मा के हिसाब से यह ज्ञानता है मेरे को करना है, आप समझे ना, तो वहां तक भी अज्ञानता है उस लेवल की, वो भी मिटानी पड़ेगी. मैंने पहले भी कहा अध्यात्म मार्ग में वीकनेस दो प्रकार की है, डुअरशिप एंड ओनरशिप, वो 100% खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ना डुअर है ना ओनर है. पहले ही दिन मैंने समझाया था कि दुनिया की कोई चीज का हम मालिक नहीं हो सकते हैं, हम सिर्फ यूजर हैं. क्या है ये सब, कुदरत का है और कुदरत के पास ही रहेगा. ये शरीर भी पंचभूतों से बना हुआ है, वो भी कुदरत के अंदर ही विलीन हो जाएगा, और साधन संपत्ति सत्ता और संबंध भी यहाँ ही रहेगा. और इसीलिए न तुम्हारा था न तुम्हारा है न तुम्हारा रहेगा, जब तक तुम्हारे पास है मे भी आप इसका यूजर हो सकते हैं या तो टेम्पररी ओनर हो सकते हैं, आप समझे ना, मगर आप रियली ओनर नहीं हो सकते. मगर जब मालिक बन जाते हैं रियली स्पीकिंग, तब राग द्वेष होते हैं. अगर मालिक नहीं होंगे, भले चीज आपने प्राप्त किया है, मालिक नहीं होंगे तो राग द्वेष नहीं होगा. आया तो भी आपका हिसाब और चला गया तो भी हिसाब, आज संबंध जुड़ा है तो भी हिसाब, कल संबंध खत्म हुआ तो भी हिसाब है, न राग न द्वेष. और इसीलिए कहा अध्यात्म के मार्ग, मैंने पहले भी कहा अध्यात्म के मार्ग में कुछ अचीव करना नहीं है, हम पूर्ण हैं और संसार हमारी दृष्टि में शून्य अनुभव होना चाहिए.
अगर हम पूर्ण हैं और पूर्णता की अनुभूति करनी है और संसार की वैल्यू करेंगे, ये दोनों संभव नहीं। आप समझे ना? और इसीलिए अध्यात्म के मार्ग में त्याग की कोई कीमत नहीं है। क्या बताया? मगर वैराग्य की कीमत है। वैराग्य का मतलब होता है वैल्यू जीरो। तो वैराग्य वो विजन है और त्याग वो एक्शन है। एक्शन से त्यागे सो आगे और वैराग्य से मोक्ष है, मतलब मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। त्याग से मुक्ति नहीं है। और इसीलिए यहाँ अध्यात्म के मार्ग में आपको ये त्याग करना है, ये त्याग करना है, ये त्याग करना है, ये सब्जेक्ट नहीं है। त्याग की बात तो छोड़ दो, क्रिया के फॉर्म में भी यहाँ कुछ करना न करना वो सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि सिद्धांत कहता है जब मन वचन काय की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, फिर मेरे को क्या कहना है आपके लिए? जब कुदरती रचना ही है तो फिर मैं क्या कहूंगा, ये करो या ना करो, सब कुदरती रचना है, फिर ये बोलने की क्या जरूरत है? आप समझे कि नहीं समझे? तो इसीलिए पुरुषार्थ के रूप में बोलने की जरूरत, समझने की जरूरत या अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप बात करी के छेल्ला अवतारमां प्रत्यक्ष आत्मा संपूर्ण खत्म थई जाय अने जे छे एने खाली भोगवटो ज रहे અને પછી એ મોક્ષે જાય. હવે અર્જુનને જન્મથી જ સ્પષ્ટ વેદન હતું, તો પછી એને જે આ કૃષ્ણ ભગવાને દ્રષ્ટિ આપી, તો એ દ્રષ્ટિને આપણે શું સંદર્ભમાં સમજવાનું? પણ આનો ઇસકા ઉત્તર મને કિતની બાર દે દિયા હૈ, અભી ભી યે સેશન મે ભી દિયા થા મેને, કે ઉસકા ઉદય કર રહા હૈ. અચ્છા, યે કૃષ્ણ ભગવાન કો ભી માલૂમ થા કે નહીં માલૂમ, મગર ઉનકો તો માલૂમ થા અર્જુન કો कि मेरे को स्पष्ट वेदन है। आप समझे ना? और इसीलिए उनका तो लास्ट बर्थ था, मगर वो प्रश्न करना वो उसका उदय करना, कृष्ण भगवान का उत्तर देना वो उनका उदय करना। महावीर और गौतम स्वामी का भी ये था, महावीर को केवल ज्ञान हो गया था और गौतम स्वामी को कंपल्सरी होने वाला था, ये दोनों को मालूम था क्योंकि दोनों स्पष्ट वेदन वाले थे। फिर भी उदय कर्म का मतलब होता है आपको जो लेके आए हैं उदय में वो आपको प्रश्न करना पड़ेगा, और महावीर को भी उदय में लेके आए उसका उत्तर देना पड़ेगा। दोनों में से किसी के पास ऑप्शन नहीं, और दोनों मोक्ष में जाएंगे उसी अवतार में। आप समझे? यानी उदय कर्मों को आप टोटली मैकेनिकल समझो, उसमें चॉइस मत समझो। हमारी सोच क्या होती है कि ये अर्जुन ने प्रश्न किए, गौतम स्वामी ने प्रश्न किए, मतलब उनके पास अज्ञान था, यही हमारी सोच है और यही आज तक धर्म गुरुओं ने हमको बताया है, तो समझाया है, राइट? मगर ऐसा नहीं है। उदय कर्म का मतलब जो युद्ध करते हैं वो भी उदय कर्म है, तो प्रश्न करते हैं उदय कर्म नहीं हो सकते? मगर ये कंफ्यूजन क्यों पैदा होता है? क्योंकि प्रेजेंटेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज हम कहेंगे कि महावीर ने 12.5 वर्ष पुरुषार्थ किया, बाद में केवल ज्ञान हुआ, वो बता सकते धर्म के मार्ग में लोगों को प्रेरणा देने के लिए, मगर सिद्धांतिक बात नहीं, श्रद्धा की बात है। सिद्धांत में तो महावीर भगवान का पुरुषार्थ माता के गर्भ में से ही नहीं था और निर्वाण तक नहीं था, तो ये सिद्धांत है। मगर दुनिया चलती है श्रद्धा से, मैंने कहा ना, दुनिया चलती है श्रद्धा से, और जिसको सिद्धांत समझ में आ गया उनकी खुद की दुनिया समाप्त हो जाती है। तो ये मुक्ति का मार्ग ऑलवेज इंडिविजुअल है। क्या है? वो सामूहिक नहीं है। Mm-hmm.